तेलंगाना के इतिहास में एक बहुत ही शर्मनाक कार्य तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री केसीआर सरकार ने किया है। जो केसीआर ने 2014 के चुनाव में जीतने के बाद में तेलंगाना के असेंबली में उनके स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी का जिस प्रकार से रोल था, उसी प्रकार से तेलंगाना आने के लिए कोडंदराम का उतना ही बड़ा रोल था। और आज जब नौजवानों की जब बात आई, तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर की वजह से तेलंगाना नहीं आया, तेलंगाना आज बना है तो तेलंगाना के नौजवानों की वजह से। तेलंगाना के नौजवानों ने जो बलिदान देकर जो तेलंगाना हासिल करा, उसके बाद में ही नया तेलंगाना बना, उसके बाद में ही तेलंगाना आया। और खास करके कोडंदराम जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और आज वही नौजवानों के हक में जो हमारे कोडंदराम जी जो जेएसी के जो चेयरमैन है, उनके द्वारा जो इंदिरा पार्क से लेकर सेक्रेटरीट तक जो उन्होंने रैली निकालने का जो डिसीजन लिया था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत ही अच्छा समर्थन था, सभी का सहयोग था। लेकिन तेलंगाना सरकार रात के 3 बजे सिकंदराबाद तारना का उनके घर पे भेजकर पुलिस को दरवाजे तोड़कर लॉक तोड़कर जिस प्रकार से एक टेररिस्ट को जिस प्रकार से अरेस्ट करते, उसी प्रकार से जेएसी चेयरमैन कोडंदराम जी को अरेस्ट करके कौन से पुलिस स्टेशन में रखे, अभी तक भी उनको बताया नहीं गया। ऑलरेडी शुगर पेशेंट भी है, उनका परिवार आज परेशान है। इस तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट आज इतना नौजवानों पे जुल्म कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री केसीआर को यह कहना चाहूंगा कि जिन नौजवानों के ऊपर आप राजनीति करके जो आज सरकार बनाए हैं, आने वाले 2019 के चुनाव में यही नौजवान तुम्हें धूल चटाएंगी, तुम्हारा अता पता नहीं रहे वैसा यही नौजवान करेंगे। मैं केसीआर को वार्निंग देना चाहूंगा। और आज 2 लाख वैकेंसीज है, 2 लाख वैकेंसीज खाली है हमारे तेलंगाना सरकार में, तुरंत उनको फिलअप करने का मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। जितने भी जो नौजवान आज एजुकेट रहकर भी जो इधर उधर जो जॉब नहीं रहने की वजह से जो घूम रहे हैं, उनको तुरंत जॉब्स देने की भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे। अभी देखा गया तो आज के दिन केसीआर जी भी यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ जाके तिरुपति में कुछ गोल्ड और ऑर्नामेंट्स अर्पित कर रहे हैं उनको, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तेलंगाना के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, जब पहले तो आंध्रा था, आंध्रा का जब कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो तिरुपति की बहुत ही बड़ी मान्यता है, तिरुपति बालाजी भवन की बहुत बड़ी मान्यता है। जो कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, सोना चांदी एक उपहार के तौर पर भगवान को भेंट करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो केसीआर जी जो है तेलंगाना राज्य के, उनकी एक मन्नत थी कि तेलंगाना अलग होगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 5 किलो गोल्ड आपको अर्पित करूंगा, ऐसा उनकी एक मन्नत थी। सो आज वो मन्नत पूरी करने के लिए आज 5 किलो गोल्ड के उन्होंने एक सोने के हार और चांदी उन्होंने भेंट की है। एक तरफ आप पुण्य करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, ये हर कोई करता है, आप भी कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना पैसा जो आप भगवान को चढ़ाए हैं, और अगर आपके पास अगर पैसा है, ऐसे तो ब्लैक मनी आपके पास बहुत ही होगा, अगर गरीबों में अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर सेवा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नाम होगा। एक तरफ आप पुण्य का कार्य करते हैं, दूसरी तरफ आप ज्यादा से ज्यादा पाप का काम करते हैं। आज तेलंगाना में कई ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे, उनको सही प्रकार से तेलंगाना की सरकार से कोई सहयोग नहीं है। आज ऐसे कई नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं रहने के कारण कई नौजवान भी आत्महत्या कर रहे। इन नौजवानों के प्रति सोचने की आवश्यकता है, उन किसानों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, और तेलंगाना को किस प्रकार से आगे ले चलना है, किस प्रकार से तेलंगाना को डेवलप करना है, इस विषय में अगर मुख्यमंत्री सोचेंगे तो वो ठीक रहेगा।